ये बात है आज से 300 साल पहले की, जब मराठा साम्राज्य का झंडा पूरे हिंदुस्तान में लहराने लगा और पेशवा बाजीराव ने सभी मराठाओं के सम्मान में एक महल का निर्माण करवाया जिसका नाम रखा गया शनिवारवाड़ा। लेकिन इसके कुछ सालों बाद इस महल में एक ऐसी घटना घटी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। कहते हैं कि इस महल में 30 अगस्त 1773 की रात 18 वर्षीय नारायण राव की षड्यंत्र करके हत्या कर दी जाती है, जो कि मराठा साम्राज्य के 9वें पेशवा थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी अमावस्या की रात महल के मुख्य द्वार से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और कई असामान्य घटनाएं भी महसूस की गई है। क्या आपको इस रहस्य के बारे में पता था? अगर हाँ तो कमेंट्स करके जरूर बताना।